देखो जी, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो रही है, कोई बात नहीं। पेट्रोल तो मैं डेली 100 रुपए या 200 रुपए या 150 रुपया डेली भराऊंगा। सिलेंडर हर महीने लूंगा ही लूंगा। दिल्ली में कितनी बार जाऊंगा ये बताओ। उत्तराखंड का मुद्दा है क्या बताओ? बेरोजगारी, महंगाई, दोनों बताओ कम हुई कि बड़ी? आपको तो बताओ। आप लोग चाहते हैं कि महंगाई कम करके जाते तो बढ़िया रहता। बिल्कुल, जो तो महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुभाष कौर। आज हम जानेंगे कि शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे और उसके बाद क्या जनता में उनके प्रति फिर से वही रुख है जो 2014 में था, 2017 में था या फिर 2019 के लोकसभा सीट पर था। इस सब को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी मोदी जी का वही जलवा बरकरार है या कुछ बदलता हुआ नज़र आता है। सर, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी पहुंचे थे देहरादून में, उनकी रैली भी सुनी होगी, क्या खास बात लगी, कुछ अलग दिखा इस बार? नहीं, कुछ नहीं, उनका ज्ञान और वो उनका महत्व महसूस हुआ हमें, और क्या, और उनका जो है नेतृत्व जो है बड़ा खुशहाल है और उनके नेतृत्व में तो देश बहुत उन्नति कर सकता है, यदि आज न करे तो फिर कभी नहीं करेगा। क्या पसंद है मोदी जी में, मतलब इतनी तारीफ कर रहे हैं, कुछ तो वजह होगी, क्या पसंद है उनमें? उनमें सब कुछ है, क्या है होना चाहिए, उनमें सब कुछ है। क्या सर, क्या सब कुछ है, मतलब क्या, किन बातों से आप प्रभावित हैं उनकी? आप एक सीनियर सिटीजन है, उत्तराखंड में आप रहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव हो? क्योंकि 5 साल पहले आप लोगों ने वोट देकर उन्हें जिताया है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं उनमें सब कुछ है, तो आप क्या वो खूबियाँ 5 साल में पूरी हुई है आप लोगों की जो आप चाहते थे? जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा हुआ है, इसलिए पसंद है। आज एक सारे भारत की, भारतवासी की संस्कृति को एक कण से लेकर पत्थर तक, पर्वत से लेकर नदी तक, सारा ज्ञान है उनमें, भारतवर्ष का ज्ञान है, इसलिए आपको पसंद है। सर, आप भी यहीं के रहने वाले, आप बताइए मोदी जी में क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो गुणगान है कि आप लोग उनको पसंद करते हैं? देखो जी, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो रही है, कोई बात नहीं, उसे झेल लिया लोगों ने, फिर भी 14 के बाद 19 में फिर जिताया लोगों ने, प्रॉब्लम्स थी तब भी, लेकिन समस्याएं जो बड़ी बड़ी वो सॉल्व कर रहे हैं, ये छोटी मोटी तो होती रहेंगी। कोई आदमी भूखा नहीं मरा, प्रॉब्लम रही लेकिन भूखा कोई नहीं मरा, है जी, हमने झेल लिया, फिर भी प्रॉब्लम के बावजूद लोग उन्हें मैंडेट बढ़ता जा रहा उनका। और आज की रैली में मैं गया था तो इतनी भीड़ थी भाई साहब कि मैं तो घबराता हूँ भीड़ देख के, मैं वापस आ गया, फिर मुझे कोई ले गया दोबारा, दूसरी बार गया मैं, 2-3 लोग फिर आ गए, तो उनकी जो भीड़ आज मैंने देखी ना भाई साहब, मैं तो घबरा गया। जितना उनका पुराना मैंडेट था उससे कई गुना बढ़ के इस बार जो है, मुझे लगा कि इस बार तो और भी बड़ा चमत्कार होना है, बड़ा चमत्कार होना। आपने रैली में सुना, क्या बात उनकी अच्छी लगी जो उन्होंने बोली? दरअसल मैंने सुना कम उनको, मैं जब वो बोलने के लिए खड़े हुए थे तो मैं आ गया था, तुरंत ही आ गया था, क्योंकि वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी और मैं घबराता हूँ थोड़ा भीड़ से। लेकिन उन्होंने जो वादे अभी जो टीवी में और उसमें दिखा रहे हैं, जो उन्होंने इतना बड़ा पैकेज जो हमें दिया 1800 करोड़ रुपए का, कितना, 18000 करोड़, तो इसमें जो डेवलपमेंट होना है वो हम वैसे तो सुनते ही आ रहे कई महीनों से, लेकिन अब बता रहे वो 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून है, और इस तरह के जो पैकेज वो दे रहे, तो ये बहुत बड़ी वो उपलब्धि है अगर देखा जाए, कि छोटी मोटी वो नहीं है। बाकी पुष्कर धामी पसंद है आपको? पुष्कर धामी को तो वो लाए इसलिए हैं क्योंकि युवा है, 45 साल का, मेरे से 10 साल छोटा है। लेकिन पाँच साल में 3-3 लिया है, वो थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ ना, कि जो गड़बड़ क्या लगा, जो जो अब जो जिसको लाए हैं वो आदमी क्योंकि युवा है, पढ़ा लिखा है, मैंने जो उसके बारे में नेट पे और उसमें पढ़ा है, तो इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी जो कि बहुत सोच समझ के बोलता है और वादे भी वो करेगा वो जो कर सकता है, इस तरह का आदमी अब लाए हो, थोड़ा लेट हुआ मैं मानता हूँ। पहले तो जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्ञान कम, थोड़ा कुछ कमी तो मुझे लगी थी पहले वालों में, थोड़ी बहुत कमी थी, किसमें थी ज्यादा कमी, किसमें लगी? अब ये तो अब सभी को पता है, बोलना पसंद नहीं करूंगा मैं, मेरी पार्टी भी मेरी है तो मैं किसी के खिलाफ बोलूंगा नहीं, लेकिन वो जो जोश और वो था उसकी कमी थी, अब पूरी हो गई है, वो पूरी हो रही है, बिल्कुल पूरी हो रही है, क्योंकि मैं धामी जी से कई जगह मिला, मैं भी फोटोग्राफी की लाइन में हूँ, वीडियो, तो मैं कई जगह मिला उनको, तो मैंने उनके भाषण और वो जो सुने उससे मुझे लगा कि अब जोश
गवर्नमेंट में जोश दिख रहा है इस, इनको अगर ये 6 महीने पहले लाते तो शायद और बढ़िया होता, जल्दी ले आते तो और बेहतर होता और अच्छा। लेकिन जो बोझ पड़ रहा है मुख्यमंत्रियों के बार बार बनाए जाने से, उसका क्या? नहीं, बार बार बनाने को तो मैं तो गलत नहीं मानता। अच्छा। बिल्कुल, अगर कुछ कमी लग रही है तो तुरंत बदलो। आप भी को किसी में कमी है तो उसे तुरंत बदलना चाहिए। 4 साल बाद बदला, 4.5 साल? हाँ, थोड़ा ये मैं जरूर वो मानता हूँ, ये मेरा अपना वो है कि शुरू में ही अगर एक एनर्जेटिक आदमी आए, विद्वान भी हो, पढ़ा लिखा हो, बात भी लॉजिक वाली करे तो अच्छा रहता है पार्टी के लिए भी। चलिए अंकल जी, आप कह रहे थे कि मोदी जी पसंद है, आप पुष्कर धामी जी पसंद है आपको? हाँ जी बिल्कुल, हमें पसंद है। वो क्यों पसंद है? वो हमको तो पुष्कर धामी क्या, सभी मतलब सभी मुख्यमंत्री पसंद है। हरीश रावत भी पसंद है? सब हमें हरीश रावत का जो भी नेता है, जो कल्याणकारी कार्य करे वो सभी पसंद है। कांग्रेस के नेता बढ़िया थे या बीजेपी के नेता? बीजेपी के हैं वो। हरीश रावत बढ़िया थे या पुष्कर धामी सही थे? बीजेपी के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, कांग्रेस वाले जो बोलते हैं वो करते नहीं। हरीश रावत क्यों पसंद थे आपको? मुझे तो कोई पसंद नहीं है, हरीश रावत भी नहीं। हमें तो अभी तो कह रहे थे कि मुझे हरीश रावत, ये हमने ये बोला कि जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे वो पसंद है, बात ठीक है। समस्याएं भी जो दूर करे आप लोगों के, चलिए जो आप लोगों की बात सुने। चलिए और भी कहीं साथी हमारे साथ हैं, देख सकते हैं सब्जी खरीदते हुए आपको नजर आ रहे हैं बाजार में। भाई साहब आप सब्जी वब्जी खरीद रहे हैं, मोदी जी पहुंचे थे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तराखंड के लिए दी, क्या लगता है फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमें तो लगता है कि आज तक नहीं मिला फायदा, तो अब क्या मिलेगा? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये बाकी सब लोग तो बड़े खुश दिख रहे हैं, जो जिनको मिल रहा है वो तो खुश होंगे होंगे, आम आदमी को क्या मिल रहा? खाली वो धनिया पुदीना उखेड़ रहा बस, घर में जाता है शाम को सुक्की मिली, सुक्की खा ली। मोदी जी आते देखने के लिए, वो मोटे चावल वो भेज देते हैं कंट्रोल में सड़े हुए, गेहूँ सड़ा हुआ भेज देते हैं, बस देखने आते हैं, पूछते हैं क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, चीनी बंद, तेल बंद, दालें बंद, बस। वो तो कह रहे हैं कि आप दिल्ली आप 2.5 घंटे में पहुंचो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे उससे क्या मिलेगा बताओ? आप लोग चाहते हैं कि महंगाई कम करके जाते तो बढ़िया रहता। बिल्कुल, जो तो महंगाई बढ़ाते ही जा रहे। अच्छा, घटा घटी कहाँ पे आप बताओ? तेल बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया, जो राशन पानी वो बढ़ गया, सब्जी देख लो आज आप खरीद लो। वो तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण करके गए, तो उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड, अब चार धाम यात्रा करनी हो तो बस आप यूं गए छुट्टियों में। बातें हैं ये, तो उनकी बातें हैं बस, और कुछ नहीं इसके। पसंद नहीं है? बिल्कुल, हम तो झांकने भी नहीं गए उन्हें। अच्छा चलिए ठीक है, एक चीज और, आपको पुष्कर धामी पसंद है? पुष्कर धामी जी अभी हम उनसे मिले नहीं, हमें पता नहीं कि कैसे आदमी है। ठीक है, सीएम है प्रदेश के? नहीं, सीएम तो है लेकिन हमें इतने इतना नॉलेज नहीं उनके बारे में। त्रिवेंद्र रावत या तीरथ रावत में से कोई पसंद हो? भैया हमें तो देखो वो आदमी पसंद आएगा जो करेगा आम आदमी के लिए, वो आदमी जो आम आदमी को धक्का दे देगा बात साइड में। तो मोदी जी पसंद नहीं आए उत्तराखंड में? हमें करके नहीं गए, कुछ भी नहीं उनका क्या हुआ, सड़कें देखो 12 साल हो गए पड़ी हुई, ये रोड जाओगे ना ऊपर देखे आप जाओगे ऊपर कीचड़ कीचड़ मिलेगा आपको। तो स्थानीय विधायक कुछ नहीं बनेगी, ये बहुत अच्छी ना। बस आपने सुना होगा मोदी जी का भाषण, क्या पसंद आया? हाँ फोन में तो सुना है साहब, लेकिन बस वही है कि ये है कि आप अब ये देखिए कि आज मोदी जी आए और पूरे शहर में आप देखिए बैनर पोस्टर, जनता को ये कोई चाहिए? जनता को तो महंगाई से बस, तेल जैसे भाई साहब ने कहा तेल हो गया, सिलेंडर हो गया, बस चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की सरकार। सड़कें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पहुंचो आप 2 घंटे में पहुंचो, जो सीमा टाइम कितनी बार जाएंगे ये बताओ? पेट्रोल तो मैं डेली 100 रुपये या 200 रुपये या 150 रुपये डेली भराऊंगा, सिलेंडर हर महीने लूंगा ही लूंगा, दिल्ली में कितनी बार जाऊंगा ये बताओ? ऑल वेदर रोड उतरा, वो कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है सर। ये तो कांग्रेस की सरकार आएगी वो भी करेगी, आम आदमी पार्टी की आएगी वो भी करेगी, ये तो करना है, ये तो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी की, लेकिन जनता के बारे में जो सोचेगा हम तो उन्हीं के साथ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अदर जो भी पार्टी हो। अब जैसे भाई साहब ने कहा कि सड़क, आप देखो सड़क अभी हाल ऐसा, मतलब हमारे स्थानीय विधायक ही बिल्कुल ऐसे हो रखे, बिल्कुल ये लगा लो कि कब से वो विधायक है यहाँ पर कैंट क्षेत्र में, और पूरी रोड देखना कीचड़ 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 ही कीचड़ है। इस चौक से आप सीताराम मंदिर है ऊपर जो हमारा कैंट क्षेत्र है, पूरी कीचड़ ही कीचड़। तो बात नहीं की विधायक से? नहीं बात की। अरे विधायक के पास जाते हैं बस, अब हमने तो बहुत वो करा, हमारे भाई साहब लोग भी जाते हैं लेकिन बस, मतलब आपकी नहीं सुन रहे, मतलब मोदी जी से कोई फर्क नहीं पड़ता,
भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे। जो विकास करेगा उसके साथ है। मोदी नाम मोदी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है कि ब्रांड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन किसके चेहरे जो कौन आदमी आपको पसंद है जो आपको लगता है आपके लिए काम करेगा? तो चोर चोर मोसेरे भाई जो करेगा उसके साथ है। जो करेगा मोदी जी आए थे, मोदी जी तो कह रहे हैं हम 18,000 करोड़ का योजनाएं प्रदेश को दे रहे हैं, छोटे से प्रदेश योजनाएं लागू हो रही है। आप बता दो आपको आपको लिखित बोल दिया मुझसे बोलना सच नहीं होता, प्रैक्टिकल कहाँ है? ऑल वेदर रोड तो बनी, काफी अच्छी सड़क भी बनी। भैया हम लोग थोड़ना जा रहे हैं ऑल वेदर रोड में, हमें तो अपनी गांव की सड़क चाहिए। ऑल वेदर रोड में तो हाईवे में जो चल रहा है वो चल रहा ना, हम लोग तो लोकल चलने वाले। अच्छा तो हम लोग कहाँ से चलेंगे बताइए, मतलब दिक्कतें बहुत हो रही है। दिक्कतें तो वही है। तो मोदी जी पसंद नहीं है इस बार? जो विकास करेगा वो पसंद है। तो विकास करेगा कौन? 5 साल में मोदी जी की सरकार देखी आपने, यहाँ 2-3 मुख्यमंत्री बदले, तो आपको क्या लगता है कौन सा मुख्यमंत्री ठीक लगा आपको, कौन करेगा आपका विकास? विकास अब जो सही आएगा, अब ऐसे किसका नाम लेके तोड़ नहीं, तो आप किसको चाहते हैं? नहीं ऐसा होता ना भैया, सकल से थोड़ी ना पता लगता है, जो विकास करेगा उसके साथ है। अब अभी तो भाजपा की सरकार है, अभी तो भाजपा की सरकार है, अभी भाजपा की सरकार है, विकास हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, आप अगर भाजपा के साथ आप वोट मांगने आते हो तो कल को आप मुकर जाओ, आपको हमने प्रतिनिधि बना के आगे खड़ा कर दिया, आप मुकर जाओ तो हम क्या करेंगे? तो अगली बार आप जवाब देंगे ना वोट के साथ? आप देंगे जवाब, आप देंगे जवाब देंगे भाजपा को? किसको लाएंगे? पार्टी का नाम नहीं ले रहा मैं। अच्छा जो विकास करेगा उसके साथ है। जो विकास करेगा उसके साथ है, ठीक। तो ये कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि जो विकास करेगा उसके साथ है, लेकिन एक भाई साहब और मुझे नजर आ रहे हैं पीछे से, ये कुछ कहना चाह रहे। भाई साहब आपसे ही पूछने की कोशिश करता हूँ मैं कि मोदी जी आए थे, घोषणाएं करके गए, लोकार्पण करके गए, कहा कि डबल इंजन ने बहुत बेहतर काम प्रदेश में किया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप किसको पसंद करते हैं, मोदी जी पसंद है या नहीं, पहले तो ये बताइए ना। मोदी जी तो पसंद है मोदी जी, लेकिन मोदी पार्टी पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों, क्या बताओ क्या किया मोदी जी ने? महंगाई, बेरोजगारी। तो मोदी जी ने जो कुछ नहीं, नहीं भाई साहब पहले बात सुनिए, आपने कहा कि मोदी जी पसंद नहीं है, पार्टी पसंद है, मोदी जी पसंद है, पहले बताओ मोदी जी पसंद है या भाजपा पसंद है? भाजपा पसंद नहीं है, ठीक है आप बताइए। देखो क्या किया इस पार्टी ने, उत्तराखंड का मुद्दा है क्या बताओ, बेरोजगारी, महंगाई, दोनों बताओ कम हुई कि बढ़ी, आपको तो बताओ, आप बताइए आपको क्या लगता है कम हुई बढ़ी? बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन, सरकार ने क्या सड़कें चोरी करी, लोगों को तो बेरोजगार करा, चोरी करके क्या करा, अपनी कमाई के साधन बढ़ा लिए, टोल बनना शुरू हो गए, अब रोड पे चलने के भी पैसे दिए जा रहे, सरकार ने अपने तो फायदे करे, आम पब्लिक का क्या फायदा करा? तो मोदी जी ने तो कहा कि सड़कें बिजली, क्यों 82 परियोजना को उनको मंजूरी दे दी कि 82 से बिजली बनेगी, प्रदेश में विकास होगा, रोजगार मिलेगा, उसका क्या? सुनो उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बोलते ना से, बिजली का रेट बताओ यहाँ क्या है, आप बताओ, आप बताओ कि आपकी यहाँ फ्री होनी चाहिए। अच्छा और बिजली का रेट आप खुद देखो, तो आम आदमी पार्टी तो कह रहे हैं हम फ्री देंगे, वो पसंद है आपको? तो भाई जी जो हमारे लिए फायदे की बात करेगा हम तो उसी की तरफ है, तो आम आदमी पसंद वो चलेगी फ्री की, जो ऐसा वादे तो सारे करते हैं ना। जब ग्राउंड में जब आता आदमी तब पता चलता कौन कैसा आदमी है। अभी तो बीजेपी ने बहुत वादे करे थे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, तुमने GST लगा दी, ऊपर से तुमने टैक्स बढ़ा दिए, अगर अपना टैक्स ही खत्म कर देना तो तेल का रेट अपना डाउन हो जाएंगे, महंगाई अपनी हल्का हल्का अपना भी कम होती जाएगी। तो मोदी जी से नाराजगी है या भाजपा से नाराजगी? मोदी जी से नाराजगी नहीं है, मोदी जी कम कौन करेगा तेल के दाम, कम कौन करेगा? अरे पार्टी करेगी और कौन करेगी, बीजेपी की पार्टी करेगी, आदमी बढ़िया है लेकिन सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कैसा चल रहा कैसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक और सवाल मेरा, अच्छा एक और चीज, धामी जी पसंद है? आदमी बढ़िया आदमी, अभी तो फिलहाल वो क्यों पसंद है, वो क्यों पसंद है? अभी घोषणाएं कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं कर रहा है, लेकिन जब कंप्लीट होंगी वो घोषणाएं, अगर उन पर काम शुरू होगा तब पता चलेगा ना आदमी सही है कि नहीं है। अब तो चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने बचे हैं, मुश्किल से 30 है। उसका तो वो ठीक है, वो तो वोट बैंक बनाना है अपना, तो आदमी घोषणाएं तो करेगा ही। आपको भी अगर इलेक्शन लड़ना है तो आप भी घोषणा करो, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, ढिकना कर दूंगा, वो तो आगे पता चलेगा जीतने के बाद क्या करते हो आप। अच्छा चलो ठीक है, हरीश रावत पसंद है? हाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। वो क्यों, क्या करा उसने हरीश रावत ने? तो आप बता करा, एक तो पार्टी आधी होगी उसके राज में तो। अच्छा और क्या, कांग्रेस पसंद ही नहीं, कांग्रेस पसंद नहीं भाई, पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी पसंद है उसके आदमी पसंद नहीं है। अच्छा बीजेपी का मोदी जी पसंद है पर पार्टी पसंद नहीं है।
आम आदमी पार्टी में क्या पसंद है? आम आदमी पार्टी के वादे हैं लुभावने, वादे लुभावने हैं। बाकी दिल्ली में हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली में काफी कुछ किया उन्होंने। तो मतलब अब ये कह सकते हैं कि आम आदमी पसंद है आपको, फ्री की बिजली चाहिए आपको? फ्री की बिजली नहीं चाहिए, बिजली लो, लेकिन भाई जी आप ऊर्जा प्रदेश में तुमने इतनी महंगी बिजली कर रखी, उसे कम तो कर सकते हो ना, कम करो ना उसे। हमें फ्री नहीं चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए, लो लेकिन लेकिन हिसाब किताब से लो ना। अच्छा, ये थोड़ी ना भाई हिसाब बढ़ाती जा रही, मतलब अपनी मोनोपोली चल रही कि हम तो भाई फूल उसमें बहुमत में आ रखे और हम जो कहेंगे वही होगा। सुनो, मोदी जी आए थे, मोदी जी बोल के हम आपको हेल्थ कार्ड दिया है फ्री का, आपके स्वास्थ्य सुविधा के लिए ध्यान रखा गया है, कोरोना में आप लोगों की बहुत मदद करी, किसानों की हेल्प कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सबके, वो कह रहे हैं कि सबको हमने फ्री राशन दिया। कृषि कानून हिटलर था ही चल रही, कोई से भी कानून लागू हो रहा साला वापिस नहीं हो रहा। अब ये कृषि कानून जो वापसी हुआ, क्या हुआ ये, क्यों हुआ ये, इलेक्शन की वजह से हुआ? नहीं तो मतलब ही नहीं कि साले मरते ही रहते, कृषि भी किसान भी अभी मरते ही रहते अगर इलेक्शन। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी तो बहुत हमारे बस, आपको आम आदमी पसंद। भाई साहब आपसे पूछेंगे, मोदी जी आए थे, घोषणाएं करके गए, लोकार्पण करके गए। जी मैं तो 2% में बात खत्म करूंगा। 14 में गलती करी थी, 19 में महा गलती करी थी, अब गलती नहीं दोहराएंगे। 17 महीने की गलती नहीं, सुनो ना, मैं तो एक बात सीधी समझ, 14 में गलती करी थी, 19 में महा गलती करी, अब गलती हम नहीं दोहराएंगे, 22 में नहीं दोहराएंगे, बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। धामी जी नहीं, सुनो ना, हम जहाँ थे वही ठीक है। अच्छा। 450 का सिलेंडर था वही लेने के इच्छुक हैं। अच्छा। वो कांग्रेस के टाइम में था, आज भाई जी ये कह रहे 60 पार, 57 पार करा 1000 का, 60 पार करेंगे तो सिलेंडर 2000 का। अच्छा। समझे, तो ऐसी गलती में हम नहीं दोहराएंगे इस बार, अब गलती मोदी जी पसंद नहीं। भाई जी मोदी मादी से मुझे मतलब नहीं, इस बार गलती नहीं दोहराएंगे, दो बार दोहरा ली, हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपनी पुरानी पार्टी जिंदाबाद। चलिए ठीक है, आपका साफ हो गया कि आपको कांग्रेस पसंद है, वापस कांग्रेस चाहते हैं। मैम आप सब्जी लेने पहुंची हैं, कितना 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 देखते हैं कि सब्जियों के दामों में, और मोदी जी पहुंचे थे बड़ी घोषणाएं करके गए प्रदेश के लिए कि उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, और बड़ी घोषणाएं पसंद आई आपको, योजनाएं सुना आपने मोदी जी का भाषण? ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बच्चों के लिए तो मोदी जी ही जरूरी है। ऐसा क्यों, बच्चों के लिए क्यों? बच्चों के लिए क्योंकि वो मेरे मतलब हमारे बच्चे जैसे बीटेक कर रहे हैं, BIT वेलोर से किया है उसने, तो हमारे बच्चे IT कंपनियों में जा रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार के लिए बहुत बढ़िया किया उन्होंने। और मेरे ख्याल से तो आने वाले समय में, मैं ये नहीं हिंदू मुसलमान के चक्कर में तो मैं हम रहते नहीं हैं, लेकिन हम जॉब के हिसाब से देख रहे हैं कि अब सरकारी नौकरी हर किसी को तो मिलेगी नहीं, तो प्राइवेट जॉब्स में भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पैकेज ले रहे हैं, मेरी बेटी का भी हुआ है अभी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नए पीढ़ी के लिए, नई युद्ध के लिए तो मोदी जी ठीक है। ये सब बाकी सब लोग तो नाराज़ चल रहे हैं अभी, मैं आपने सुना होगा वो कह रहे हैं कि अब इतना महंगाई नहीं चाहिए, इनको भगाना है, इस बार कांग्रेस लानी है। तो ऐसा है कि ये इस बात की गारंटी है कि कोई और सरकार आएगी तो मतलब सस्ता हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मतलब होने को तो हम भी पहले कांग्रेसी थे, लेकिन ऐसा है कि समय के हिसाब से ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा, मोदी जी के ने कौन सी बात पसंद आई आपको जब वो आए भाषण देखे गए उत्तराखंड के लिए, कौन सी वो बात थी, कौन सी वो योजना जी जो आपको अच्छी लगी हो? जो वो विकास कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, और हमें मतलब जैसे 4 लाइन है, रिंग रोड है, या फिर जो भी है, मतलब दिल्ली से जो देहरादून का समय है वो 2.5 घंटे हो जाएगा, 6-7 घंटे से, वो पसंद आया? हाँ बहुत अच्छा है। ऑल वेदर रोड वो भी अच्छी है। अच्छा एक चीज और, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कितना पसंद है आपको? वो तो कुमाऊनी है, वो तो पसंद ही होंगे, हम खुद कुमाऊनी है। अच्छा, कुमाऊनी है तो पसंद है जी। कुमाऊनी तो हरीश रावत जी भी है। हाँ वो भी पसंद है, वो तो रानीखेत के ही है, जो कि वो तो बहुत ही पसंद है। मतलब आपको घर वाले पसंद है, घर के आस पास के लोग पसंद? नहीं मेरे तो हम लोग 2 लोग, अब तो 3 हो गया वोट, बड़ी बेटी का भी हो गया, पर मतलब हमारा वोट दोनों का अलग अलग। चलिए ठीक है, हरीश रावत भी पसंद, पुष्कर धामी भी पसंद, अब दोनों में से किसको वोट देंगे? क्योंकि 2 चेहरे समझ लीजिए, मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको आप वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे? वोट तो युवा, कौन सी पार्टी को? युवा नेता को, यानी कि धामी जी को वोट? जी ठीक है मैम।
पीएम मोदी जी पहुंचे थे उत्तराखंड में, बड़ी रैली की थी परेड ग्राउंड में, बड़ी घोषणाएं की थी, कौन सी बात आपको पसंद आई उनकी? भैया हम तो गए नहीं रैली में, तो पता सुना तो होगा आपने कुछ तो बड़ी 18,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो उत्तराखंड में लगा रहे हैं, यानी कि बड़ा विकास करेंगे। दिल्ली से आपको देहरादून आने में 2.5 घंटे लगेंगे। इसके साथ ही ऑल वेदर रोड में जो सड़कें एक लेन की थी उन्हें 4 लेन की बना दी है, तो क्या पसंद आया? अरे बना तो रहे, काम धंधे की तो ऐसी तैसी हो रही, अभी समझ में फड़के बनाने पे क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ा ही नहीं हो जाएगा जब काम ही रोजगारी खत्म कर दिया। बताओ कैमरा लगा। हाँ जी, रोजगारी जब खत्म कर दिया, 4 फड़के बनाओ चाहे 6 बनाओ, उन पे क्या फर्क पड़ना है? किराया डीजल बढ़ गया, कम हो गया डीजल, उसके नहीं करनी आपने हमारे साथ बात करनी। नहीं नहीं, डीजल कम हो गया, बढ़ गया किराया, एक बार बढ़ गया, कौन सा कम हो गया, भला बताओ क्या है फरकार जे? नहीं तो आपकी नाराजगी क्या है? पहले नाराजगी, नाराजगी जो है कि जो चीज बढ़ जाती है वो घटती तो है ही नहीं। जो घटाएगी क्या उसको? नहीं, कांग्रेस भी नहीं घटाएगी, वो भी नहीं घटाएगी। अच्छा, तो मतलब कि मोदी जी से आप कह रहे हैं सड़के वड़के छोड़ो, आप महंगाई घटाओ, महंगाई चलिए। तो सर ज्यादा अधिकतम लोग जो थे वो महंगाई को लेकर जरूर कहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि रात का समय है, बहुत सर्दी देहरादून में आप देख रहे होंगे होती हुई, और लोग बाजारों की तरफ लगातार पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं शॉपिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक चौमिन वाले भाई हमको दिख रहे हैं सामने, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या मोदी जी उनको पसंद हैं या नहीं है। भाई साहब, मोदी जी पसंद हैं या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देहरादून पहुंचे थे, बड़ी रैली की उन्होंने, आपने देखा होगा टीवी पे, आप खुद ही पहुंचे होंगे, बहुत भीड़ थी वहाँ, काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए। क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा, या जैसे 2014 2017 में लोग पसंद कर रहे थे वैसा फिर पसंद करेंगे? हाँ जी, हाँ जी करेंगे। क्या लगता है फिर से प्रदेश में विकास होगा मोदी जी के रहते? हाँ, होगा होगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, धामी जी पसंद हैं? हाँ, सीएम साहब। हाँ जी, हाँ जी। ठेला लगाते हैं आज, लोग कम नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? आज काफी कम लोग नजर आ रहे हैं भाई, होंगे भी सब होंगे, अपने काम काज में लगे होंगे। आप बड़ा शर्मा रहे, शर्मा क्यों रहे आप, जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं नहीं, अपने काम काज में लगे होंगे भैया, सब ठेले वाले आज कम है रोड पर। अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, ऐसी पूछ रहा हूँ मैं, ये बताओ आप, विकास हुआ 5 सालों में? हाँ जी, वही है विकास। क्या विकास दिखा आपने? योजनाएं आई हैं। कौन सी योजना जो आपको पसंद आई हो? योजनाएं आई हैं, गरीबों को दिया अनाज, सब ठीक है, सरकार ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एक बार फिर मोदी आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, सरकार बनेगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सब कुछ बनेगी, 100% कह दिया भाई साहब ने हमारे। ये तो थी चौमिन की ठेली में हम लोग घुसे थे, लेकिन एक आखिरी बार जो ये सर थे इनसे आखिरी बार पूछ लेते हैं। सर आप सब्जियां बेच रहे हैं, आपने वहां पे भी बोला कि महंगाई बढ़ गई, अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि खड़े हो जाओ पहले तो, है ना, आप सुनो, सब्जी में कितनी महंगी सब्जी हुई है पहले की तुलना में? अब टमाटर 70-80-60 बेच रहे हैं, अब यही 30 भी बिकता तो कुछ कमाई हो, ऐसे में क्या कमाई होगी 70 बेच के? कितना फर्क पड़ा है महंगाई से? महंगाई में डबल हो गया ये हमने टमाटर में। हाँ, रिफाइंड जो है 75 का ले रहे थे वो आज 160-170 का हो गया, डबल हो गया 5 साल में, और क्या चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, एक और चीज़ मेरा आखिरी एक सवाल आपसे, महंगाई होने के बाद लोगों ने सामान कम खरीदना शुरू किया ज़्यादा? नहीं नहीं, कम ही खरीद रहे, कौन सा ज़्यादा खरीद रहे, पहले 500-400 कमा लेते थे, आजकल 250 भी कमाना मुश्किल पड़ गया। पहले महंगाई से खामियाजा आप लोगों को भी भुगतना पड़ा, चलिए ठीक है। 20-30 रुपये किलो बिके तो इसमें कमाई हुआ, ये 60-70 रुपये भाव पूछ के ही लोग भाग रहे, और ये काम तो करना ही पड़ेगा, है या नहीं है? कोई भी रोजगार है, रोजगार तो अपना आदमी करेगा ही, पेट पालने को। चलो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बताया कि महंगाई से आप लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आपने देखा जिस तरीके से हमने आम जनता से जानने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पीएम मोदी का सपोर्ट किया, कहा कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आगे भी उनको एक बार मौका मिलना चाहिए, तो वहीं कई लोग महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ भी अपना रुख करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा फ्री की बिजली तो हमें चाहिए है, क्योंकि फ्री जब तक नहीं मिलेगी हमारा काम नहीं चलेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद कितना लोगों में बदलाव आया, कितना लोग उनको पसंद करते हैं, ये तो 2022 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ साफ है कि महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आज भी नाराज़गी नज़र आ रही है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस के साथ मैं सुभाष कौट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। देखो जी, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो रही है, कोई बात नहीं। पेट्रोल तो मैं डेली 100 रुपया 200 रुपया 150 रुपया डेली भराऊंगा। सिलेंडर हर महीने लूंगा ही लूंगा। दिल्ली में कितनी बार जाऊंगा ये बताओ। उत्तराखंड का मुद्दा है क्या बताओ? बेरोजगारी, महंगाई, दोनों बताओ कम हुई कि बड़ी? आपको तो बताओ। आप लोग चाहते हैं कि महंगाई कम करके जाते तो बढ़िया रहता। बिल्कुल, जो तुम महंगाई बढ़ाते ही जा रहे हैं।